उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, अंडर ए कॉन्स्टेंट फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट ए. ये अब एक बॉडी है उस पर फोर्स, कॉन्स्टेंट फोर्स विच कॉज ए डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स वेरी नहीं कर रहा, जो लग रहा है मतलब लग रहा है यार, ठीक है. टी, अब 2 सेकेंड बाद जो है, 2 सेकेंड बाद हम लोगों को वर्क डन निकालना है, ठीक है. अब अगर मैं वर्क डन निकालना चाहूँ, देखो वर्क डन निकालना चाहूँ तो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट डी एस, यहाँ डी एस डिस्प्लेसमेंट डी एस ये चाहिए. तो सबसे पहले मुझे फोर्स ही नहीं पता है, सबसे पहले मुझे फोर्स नहीं पता है, तो डिस्प्लेसमेंट दिया ना भाई, डिस्प्लेसमेंट से फोर्स निकल जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से एक्सलेशन आ गया, एक्सलेशन से फोर्स आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है टी स्क्वायर ओवर 3, तो वेलोसिटी डी एस ओवर डी टी, डी एस ओवर डी टी कितना बना, तो डी एस ओवर डी टी बना 2 टी अपॉन 3, डी एस ओवर डी टी बना 2 टी अपॉन 3, तो ये 2 टी अपॉन 3 डी एस. तो एक्सलेशन कितना बना, तो एक्सलेशन बना वो बने जाए बनेगा डी बी अपन डी टी. तो ये हम लोग के पास क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बाई 3 दैट इज द एक्सलेशन. तो फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन, तो फोर्स मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सलेशन आ जाएगा. तो मास कितना है, 3 kg है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज ये आ जाएगा 2 न्यूटन. 2 न्यूटन एक कांस्टेंट फोर्स इस पे लग रहा है, जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया. अब मुझे वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन अगर मुझे चाहिए तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटीग्रल एफ डी एस, ठीक है. तो फोर्स तो आ गया 2 न्यूटन, तो ये डी एस डिस्प्लेसमेंट को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, टाइम, ठीक है, टाइम लिमिट जो टाइम है टी इज इक्वल टू 0 to t = 2, ठीक है. तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, डी एस को मुझे टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा भाई, डी एस को मुझे टाइम के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट जो है वो टाइम के टर्म में है. जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मुझे डी एस. तो ये जो डी एस यहाँ से आया हुआ है वेलोसिटी से, इसका हम लोग यूज कर लेते हैं. इसमें डी एस, यहाँ से मुझे डी एस की वैल्यू मिल जाएगी टाइम के टर्म में, तो 2 t / 3 दैट इज द डी टी, है ना. तो ये वाला अगर मैं ले के यहाँ रखूँगा, ये मैं यहाँ ला के रखूँगा, तो हमें वर्क डन मिलेगा, हमें वर्क डन मिलेगा दैट इज फोर्स इज इक्वल टू 3 न्यूटन और डी एस इज इक्वल टू 2 t / 3 दैट इज द डी टी, 2 t / 3 और दैट इज द डी टी और 0 to 2 सेकेंड. ये हमें वर्क डन, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू 4 बाई 3 और इसको टी को इंटीग्रेट करो, लिमिट रख दो टी स्क्वायर मतलब 4 और अपन 4 बाई और ये 2 मतलब 2 ने 2 को ख़त्म कर दिया मतलब 8/3 जूल. That is the work done after 2 seconds of this constant force. जो 2 न्यूटन का फोर्स था जो कि कॉन्स्टेंट था, तो 2 सेकेंड बाद जो है, 2 सेकेंड बाद इतना वर्क डन होगा 8/3. That is the correct solution. ठीक है, 8/3 मतलब ये वाला सही है, डी ऑप्शन सही है.